अगर आप अपनी चार्ट एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट आर्ट्स के दौरान जो कुछ भी बनता है वो सब कुछ हम आपको यहाँ पर अपडेट कर देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मॉर्निंग में हमने आपको निफ्टी मिड कैप के, निफ्टी के, फिन निफ्टी के, बैंक निफ्टी के अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने आपको बता दिए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग में ही हमने आपको बता दिया था कि जो हमारा कल का यहाँ पर हैमर पैटर्न हमारा था 4 आवर का, वहीं पर मार्केट ने एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया था 15 मिनट में। ये हमने आपको यहाँ पर क्लियर कट अपना बता दिया था। बैंक निफ्टी में भी हमने आपको बता दिया था कि हमारा ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न हमारा इसमें भी बना है। तो आपको पता है कि जब ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न हमारा यहाँ पर सपोर्ट पर बना था तो मार्केट ने कितना ज़्यादा यहाँ से अपसाइड मार्केट हमारी गई थी। तो आप देख सकते हैं कि उसी के बेसिस पर, इसी मॉर्निंग स्टार के बेसिस पर हमने अपनी एक कॉल दी थी 330 पर दी थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जो उसका हाई लगाया था यहाँ पर 450 का लगाया था, यानी 100 पॉइंट यहाँ से आज हमारी मार्केट गई थी। आज हमने एक अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर भी हमने अपनी एक कॉल प्रोवाइड यहाँ पर की थी। आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग स्टार का हाई ब्रेक होने पर बैंक निफ्टी हमारी कितनी ज़्यादा अपसाइड गई है। और हमने आपको ये भी बता दिया था कि 4 आवर का पैटर्न हमारा एक्टिव हो चुका है, जो कि कल की वीडियो में हमने आपको यहाँ पर बताया था। और देन आप देख सकते हैं कि इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बाद मार्केट हमारी 200 पॉइंट अप गई थी। और उसी के बेसिस पर हमने यहाँ पर अपनी फिन निफ्टी में एक ट्रेड दी थी 122 पर अपने प्रीमियम चैनल पर, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से 140 तक यहाँ पर गई थी। और अगेन वही ट्रेड हमारी यहाँ पे 192 तक हमारी ये गई थी। और देन फिन निफ्टी में हमने आपको अगेन रेजिस्टेंस पर अपना यहाँ पर शूटिंग स्टार हमने पैटर्न आपको बताया था। और हमने आपको साथ की क्लियर कट बता दिया था कि ये हमारा बैंक निफ्टी का नो ट्रेडिंग जोन है। और बैंक निफ्टी की हमने आपको एक डाउन ट्रेंड लाइन, सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी हमने आपको भेजी थी। डबल टॉप पैटर्न भी हमने आपको बैंक निफ्टी में यहाँ पर भेजा था। और आप देख सकते हैं कि इस डबल टॉप पैटर्न का हमारा यहाँ पर टारगेट आया था। और उसी के बेसिस पर हमने एक पुट पोजीशन दी थी, जो कि हमारी 365 से 420 तक यहाँ पर गई थी। और देन ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेकर अगेन मार्केट यहाँ से बाउंस बैक थी। लेकिन हमने आपको ये बता दिया था कि ये सभी जो हमारे हैं चैनल पे हैं, रेंज में हैं। और जब इसका यहाँ से ब्रेक डाउन होगा तो देन आपको अपनी एंट्री को लेकर चलना है। तो आप देख सकते हैं कि जब अपने इन सभी चैनल्स का ब्रेक हुआ है तो बैंक निफ्टी हमारी 300 पॉइंट डाउन थी, फिर निफ्टी हमारी 100 पॉइंट डाउन थी। यानी जो कुछ भी मार्केट आर्स में बन रहा था वो सब कुछ हम आपको अपडेट कर रहे थे। देन फिर निफ्टी ने जब अगेन अपने मॉर्निंग के यहाँ पर सपोर्ट लिया था, देन हमने आपको बताया था कि जिस भी साइड इसका ब्रेक होगा देन हमारा मूव आएगा। और आप देख सकते हैं कि उसी के बेसिस पर हमने अपनी एक कॉल पोजिशन अगेन ली थी, जो कि हमारे यहाँ से 115 से 146 तक गई थी। तो आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये हमारी आज की ट्रेड थी जिसमें आज हमारा एक एसएल हिट हुआ है 20 पॉइंट्स का। बाकी हमारी ऑल सभी ट्रेड यहाँ पर जैकपॉट थी। और हमारी जो एक दो ट्रेड हमने और भी दी थी वो हमारी यहाँ पर एक्टिव नहीं हुई हैं। तो आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्रीमियम चैनल को, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद प्रियंका कश्यप। तो चलिए फिर अब देखते हैं कि आप बैंक निफ्टी में और निफ्टी में मंडे को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप अपनी मिड कैप निफ्टी में और हमारी फिन निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको उसकी एनालिसिस की वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम जानेंगे कि निफ्टी बैंक और निफ्टी के लिए हमारे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जो हमारे लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि लास्ट वीक हमने आपको ये एक डार्क क्लाउड पैटर्न बताया था और हमने कहा था कि ये डार्क क्लाउड पैटर्न है ना, और इसके बारे में हमने आपको ये भी कहा था कि आप अपनी पोजिशनल ट्रेड को बनाकर चल सकते हैं। और आपको अपनी पोजिशनल ट्रेड हमने आपको कहा था कि जब इस कैंडल स्टिक पैटर्न का हमारा लो ब्रेक हो जाएगा तो आपको अपनी एंट्री यहाँ पर पुट साइड आपको बनाकर चलनी है, क्योंकि ये पैटर्न देन हमारा एक्टिव होना था। तो आप देख सकते हैं कि इस वीक इसने हमारा 44,300 का हमारा लो लगाया है, यानी मार्केट में आपकी यहाँ से एक अपनी अच्छा यहाँ पर आपका जैकपॉट अपना प्रॉफिट होता। तो इस वीक हमारा ये पैटर्न अभी हमारा एक्टिव हो चुका है और यहाँ से हमारा कोई भी सिंबल नहीं है कि मार्केट यहाँ से हमारी अपसाइड जाएगी। अब बात करते हैं अपनी यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की। तो डेली टाइम फ्रेम पर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो फ्राइडे को हमारी कैंडल बनी
बनी है वो इसके अप साइड बनी है, लेकिन ये एक हमारा प्राइज एक्शन भी हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम का। आपको यहाँ पर अच्छे से देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पैटर्न हमारा एक्टिव हुआ, देन मार्केट अप साइड गई, फिर हमारी डाउन साइड आई, तो अब अप साइड गई, तो ये एक प्राइज एक्शन अभी हमारा वन डे के टाइम फ्रेम पर बन रहा है। तो यहाँ से मार्केट अब हमारी डाउन साइड भी आ सकती है। अगर हमारा 44,200 का लेवल हमारा ब्रेक हुआ तो देन मार्केट हमारी यहाँ से डाउन साइड आएगी, और आपके लिए जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल कर आएगा वो 43,400 का हमारा रहने वाला है, क्योंकि ये हमारा एक क्रूशियल लेवल है। क्योंकि आपको पता है कि पहले मार्केट ने कम से कम यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी कैंडलों को ऑलमोस्ट वन मंथ से भी ज़्यादा मार्केट ने इस रेंज पर यहाँ पर कंसोलिडेट थी, और जब इस रेंज का यहाँ से हमारा ब्रेक हुआ था देन मार्केट अपसाइड गई, फिर एक प्राइज एक्शन बनाया और फिर देन अपसाइड गई। तो अब अगेन मार्केट यहाँ पर डाउन साइड आ रही है, बट एक प्राइज एक्शन वो बनाती हुई आ रही है। तो आपके लिए अगेन हमारा जो सपोर्ट ये रहेगा वो हमारा 43,000 यहाँ पर 400 का हमारा रहने वाला है, अगर मार्केट अपने इस फ्राइडे के लो को यहां से ब्रेक कर देती है तो। आई होप आपको इतनी बात अच्छे से हमारी समझ में आ गई होगी। तो अगर एक और चीज की बात बताएं तो वन डे के टाइम फ्रेम पर हमारी एक ट्रेंड लाइन भी यहां पर ड्रॉ हो रही है, जो कि हमारे एम पैटर्न को यानी डबल टॉप पैटर्न को यहां पर बना रही है, एक हमारा ये चार्ट पैटर्न है। तो अगर इसका ये लो ब्रेक हो जाता है, यानी अगर मार्केट अपनी इस ट्रेंड लाइन के यहां पर डाउन साइड सस्टेन होती है, तो आपको मार्केट में फिर सेलिंग नजर आएगी, और जो आपका टारगेट हमने बताया है वो 43,000 यहां पर 400 का हमारा निकल कर आएगा। तो अब ये देखते हैं कि मंडे को आप कैसे ट्रेड यहां पर करके चल सकते हैं, यानी हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारे कौन से निकल कर आएंगे। आपके लिए सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा निकल कर आएगा वो 45,000 यहां पर 97 का निकल कर आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 4 डे को भी यानी फ्राइडे को भी मार्केट ने यहीं पर अपना रेजिस्टेंस लिया है इसी लेवल पर, और उससे पहले भी बात करें हमारे यहाँ पर 3 अगस्त को भी मार्केट ने यहीं पर ही अपना रेजिस्टेंस लिया था। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्रूशियल लेवल आपके लिए रहने वाला है। और देन आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट हमारा रेजिस्टेंस ये रहेगा वो हमारा 2 अगस्त का हमारा हाई रहने वाला है, यानी 45,418 का। जब तक मार्केट हमारे इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं हो जाती है तब तक मार्केट में हमारे यहाँ से सेलिंग ही रहेगी, यानी आप अपसाइड के लिए यहाँ पर ज़्यादा ट्रेड आप नहीं करके चल सकते हैं। आपको अपनी ट्रेड यहाँ पर स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी के साथ अपने छोटे छोटे प्रॉफिट आपको निकालने हैं। जिस दिन मार्केट अपने इस लेवल के ऊपर यहाँ पर सस्टेन होगी, देन आप अपनी कॉल पोजिशन को यहाँ से अगेन बड़ी क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं अपने सपोर्ट की, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो 44,722 का रहेगा, देन 44,292 का रहेगा, देन 43,985 का रहेगा। ये आपके लिए हमारे इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल कर आ रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हमारा एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर चार्ट पैटर्न बना हुआ है, जिसको हम इनवर्स हैंड एंड शोल्डर पैटर्न हम बोलते हैं, इनवर्स हैंड एंड शोल्डर पैटर्न। तो उस पैटर्न के बारे में हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारे यहाँ पर शोल्डर है, ये हमारा यहाँ पर हेड है, ये अगेन हमारा यहाँ पर शोल्डर है। अगर ये नेक लाइन हमारी ब्रेक हो जाती है, यानी अगर मंडे को मार्केट हमारे इस लेवल के ऊपर यहाँ पर सस्टेन हो जाती है, तो देन हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो ये रहने वाला है, और देन हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 45,792 का रहेगा। आई होप आपको अपना ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा यहाँ पर पैटर्न बना है, जिसके बेसिस पर आप अपनी यहां पर ट्रेड को लेकर चल सकते हैं। ये फिर अब ये देखते हैं कि हमारे लिए निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से रहेंगे, जो हमारे लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का यहां पर काम करने वाले हैं। भी आप यहां पर देख सकते हैं कि फ्राइडे को जहां फ्राइडे से हमारी जो हमारी कैंडल बनी है वो हमारी यहां पर थर्सडे के हाई पर बनी है, यानी अगर हमारा इस थर्सडे हमारा फ्राइडे का यानी अगर हाई ब्रेक हो जाता है, तो जो ये लोअर ट्रेंड हमारा बना हुआ था ये हमारा ब्रेक हो जाएगा, और देन मार्केट हमारी अगेन यहां से अपसाइड गई जाएगी। लेकिन
अगर हम बात करें तो आपको पता है कि यूएस मार्केट जो है हमारी अभी वो नेगेटिव है। अगर मंडे को मार्केट हमारी नेगेटिव यहाँ पर ओपन होती है और हमारा ये इम्पोर्टेंट लेवल यानी 19,300 का अगर हमारा लेवल ब्रेक हो जाता है तो देन आपके लिए जो फर्स्ट टारगेट हमारा निफ्टी का रहेगा वो हमारा यहाँ पर 18,850 का हमारा निकल कर आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट मार्केट हमारी यहाँ से डाउन साइड आएगी। तो आप अगर मंडे को ट्रेड करना चाहते हैं इंडेक्स की बजाय यहाँ पर आप हमारे निफ्टी में आपके लिए बेस्ट आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी पुट साइड में अगर ये हमारा 19,300 का लेवल ब्रेक होता है, क्योंकि फिर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो हमने आपको बता ही दिया है 18,850 का रहेगा। तो आपके लिए निफ्टी में बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपनी यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए। लेकिन अगर यहीं पर ही मार्केट अपसाइड हमारी ट्रेड करती है और हमारी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे देती है तो देन आपको फिर से हमारा जो ये 20,000 का हमारा हाई था निफ्टी का अलमोस्ट, तो वो हमारा फिर लेवल यहाँ से अचीव होगा। आप देख सकते हैं कि अपसाइड से हमारी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो रही है, तो आप भी अपने चार्ट पर इसे यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिएगा। तो अब देखते हैं कि हमारे लिए निफ्टी में आप मंडे को कैसे ट्रेड यहाँ पर करके चल सकते हैं। तो अगर निफ्टी की भी बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निफ्टी में भी हमारा एक कैंडल्स हमारा एक चार्ट पैटर्न बना है जिसको हम यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम कहते हैं। अगर 19,540 के लेवल पर ध्यान से इस लेवल को आप समझिएगा 19,540 के लेवल पर अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेन हो जाती है तो देन आपको अपनी कॉल पोजिशन को बनाकर चलना है और जो इसका टारगेट हमारा निकल कर आएगा वो यहाँ पर 19,680 का निकल कर आएगा, यानी 180 पॉइंट के लिए आप अपसाइड यहाँ पर निफ्टी में जा सकते हैं। तो आपके लिए निफ्टी में बेस्ट अपॉर्चुनिटी अपसाइड के लिए भी है और डाउनसाइड के लिए भी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर आप अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी हमने आपको बताया है 19,541 का रहेगा, क्योंकि ये हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की हमारी नेक लाइन है। अगर इसके ऊपर मार्केट यहाँ पर सस्टेन होती है तो देन आपको अपनी यहाँ से इस टारगेट तक आप अपनी कॉल पोजीशन को बनाकर यहाँ पर चल सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रजिस्टेंस हमारा निकल कर आएगा वो हमारा यहाँ पर रहने वाला है 19,619 का और देन 19,679 का। ये आपके लिए मार्केट में मंडे को हमारे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अब बात करते हैं अपने सपोर्ट की। तो आपके लिए मंडे को जो इम्पोर्टेंट हमारा सपोर्ट निकल कर आएगा वो 19,439 का रहने वाला है। ये एक आपके लिए इम्पोर्टेंट क्रूशियल हमारा सपोर्ट है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने जिस दिन हमारा यहाँ पर लो बनाया था हमारा फ्राइडे को, वहीं पर मार्केट ने अगेन अपना एक डबल बॉटम यहाँ पर पैटर्न बनाया है। और उससे पहले भी अगर आप यहाँ देखें तो मार्केट ने यहीं सपोर्ट लेकर हमारा एक प्राइस एक्शन अपसाइड बनाया था, यानी रिवर्स मार्केट 100 पॉइंट यहां से अपसाइड गई थी। तो ये आपके लिए एक क्रूशियल सपोर्ट रहेगा और ये लेवल आपके लिए एक क्रूशियल हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। यानी अगर मार्केट इस जोन में यहां पर ओपन होती है और थोड़ी देर कंसोलिडेट करती है तो आपको डायरेक्ट एंट्री अपनी यहां पर अपसाइड के लिए आपको कॉल पोजीशन बनाने ली है और यहीं से आपको अपनी एंट्री पुट साइड बनानी है अगर इस जोन का हमारा यहाँ से ब्रेक डाउन होता है तो। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारी फ्राइडे का ये यहाँ पर एक गैप भी है। अगर मार्केट डाउन साइड अगर मूव देती है तो ये डायरेक्ट हमारा यहाँ पर गैप फील होगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो मार्केट होती है कोई भी आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पर जब भी कोई गैप बनता है अप साइड या डाउन साइड तो मार्केट उसको हमेशा ही फील करती है। तो हमारा फ्राइडे का ये गैप है तो ये डायरेक्ट आपका यहाँ से फील हो सकता है। और देन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हमारा सपोर्ट रहेगा वो 19,390 का रहेगा, देन 19,342 का रहेगा और देन 19,295 का रहेगा। तो ये आपके लिए हमारे इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल कर आ रहे हैं। अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाती है, यानी ये 510 हमारा यहाँ है, अगर 100 पॉइंट यहाँ से यानी 400 के आसपास इस लेवल के आसपास अगर मार्केट हमारी गैप डाउन ओपन
होती है तो आपको वेट करना है कि हमारा जो ये प्रीवियस डे का हमारा लो था उस पर मार्केट अगेन जाए और यहीं से कोई हमारा प्राइस एक्शन बनाए तो देन आपको अपनी पुट पोजीशन को बनाकर चलना है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर इस जोन में ही कहीं ओपन हो जाती है, यानी अगर 200 पॉइंट का या 150 पॉइंट से अपसाइड हमारा ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है और हमारा इस लेवल को ब्रेक कर देती है मार्केट आफ्टर कंसोलिडेशन 19,295 को, तो आपके लिए फिर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आएगी, क्योंकि ये हमारे लिए एक क्रूशियल सपोर्ट है। अभी हमने आपको बड़े टाइम फ्रेम पर आपको बताया था कि अगर ये लेवल हमारा ब्रेक होगा तो देन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा यहाँ से सेलिंग आपको नज़र आएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप अपनी यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी आप ट्रेड करके चल सकते हैं, यानी उसका भी जो हमने आपको इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको बताया है, अगर मार्केट कंसोलिडेट होती है उस रेंज में तो आपको यहाँ से अपसाइड और डाउनसाइड आपको अपनी कॉल और पुट पोजीशन को बनाकर चलनी है। उसका भी जो ये हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, अगर इसकी यहाँ पर नेक लाइन ब्रेक होगी तो देन आपको कॉल साइड यहाँ पर मूव नज़र आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।